मैथमेटिक रीजनिंग में क्या होगा, कोई भी एक स्टेटमेंट होगा और हमको बताना है कि उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैथमेटिक रीजनिंग में एक स्टेटमेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको बताना रहता है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज हम थ्योरी पार्ट कर लेंगे, कल हमें इसका क्वेश्चन लगाएंगे, अगर टाइम बचता है तो आज ही क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बोलेगा अ सेंटेंस सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकली मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। इसका फर्स्ट ले लो, एट इज लेस देन सिक्स, आप इसको बोलोगे दिस सेंटेंस इज फॉल्स। आठ थोड़ी है फॉल्स, बिकॉज एट इज ग्रेटर देन सिक्स, हेंस इट इज अ स्टेटमेंट। समझ में आ गया? अच्छा, सही हो या गलत हो, मैथमेटिकली अगर आप बात कर रहे हो, नहीं तो इसमें बोल रहे एट जो है वो सिक्स से छोटा है, पर ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो भले ही ये गलत है पर एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें अगर आप सेकेंड पॉइंट की बात करोगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर दस सन इज अ स्टार, सन स्टार है, तो इसको आप लिखोगे इट इज अ साइंटिफिकली स्टेबल फैक्ट द सन इज अ स्टार एंड देयर फोर दिस सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू। हेंस इट इज अ स्टेटमेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इधर देखिए इसमें क्या होगा कि ये या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो तो वो ही स्टेटमेंट में आएंगे। जैसे आप थर्ड की बात करो, एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं।
थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में आपसे बोला है मैथमेटिक इज ए फन, मैथमेटिक्स फन है, ठीक है। तो इधर देखो, किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा, समझ रहे हो। जैसे हमने कहा कि मैथमेटिक्स फन है, तो चलो हमको मान लीजिए अच्छा लगता है। अब मान लो कोई बायो का टीचर है, अब उससे हम कहेंगे मैथमेटिक्स इज फन, तो वो कहेगा नहीं नहीं सर, ये मैथमेटिक्स तो हमको आता ही नहीं है, मेरे को बायो का टीचर है, बायो आती है उसको, उसने तो टेंथ के बाद पढ़ाई नहीं है मैथ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है कि आपको सोच इस ऐसे सेंटेंस में ये सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इट इज नॉट सेंटेंस स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस होंगे स्टेटमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके स्टेटमेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं निगेशन पे, ठीक है। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, STAT, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे आ जाए, ठीक है। अब निगेशन स्टेटमेंट तो आपको सीधा सीधा हम बता रहे हैं, निगेशन का मतलब आप समझो निगेटिव, ठीक है। सेट थ्योरी में, मुझे सेट नहीं, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में उसको क्या बोलते हैं, या मैथमेटिकल लॉजिक बोलो, दोनों में क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलने लगते हैं यहाँ पे निगेशन, पर होता क्या है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी देख लेते, कुछ क्वेश्चन आ जाते तो उनको देख लेते। तो यहाँ पे बोल रहा है द ऑफ सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट इफ पी इज अ स्टेटमेंट देन द negation of P is also statement and is denoted by and did not P, ठीक है। Not P भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते, ठीक है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे हम इसको थोड़े से एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि इधर होगा क्या, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे P है आपका डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इक्वल, ठीक है। अब इसको हमको निगेशन बनाना है, ठीक है, तो निगेशन का साइन लगा दो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस था इसको क्या है कि आपको निगेटिव लिख कराए, निगेशन मतलब निगेटिव, तो लिखोगे यहाँ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर नॉट इक्वल,
ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको समझ रहे हो, एक ये लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इट इफ फॉल्स, दूसरा तरीका है दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। तो ये तो टाइप हो गए, ये आप सभी देख, एक तरीका क्या है, देयर इज एट लिस्ट वन रेक्टेंगल हुज डायगोनल आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये तरीका है निगेशन लिखने का, ये तीन हैं, आप किसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेट, इसमें बोलोगे अ कंपाउंड कंपाउंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट स्टेटमेंट विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स ईच स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब देखो कनेक्टिंग वर्ड एंड है, ठीक है, अब इसमें क्या है, चलिए यहाँ पे क्या है, द कनेक्टिंग वर्ड एंड, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड एंड है। तो अब देखो, अब कोई एक एग्जांपल ले लो, मान लो हमने पी ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है, तो इसमें क्या बोल लिखेंगे, ऑल ऑल रेशनल रेशनल नंबर्स नंबर्स आर रियल, ठीक है, क्यू क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ऑल रेशनल, रेशनल नंबर ठीक है, पी और क्यू रेशनल नंबर हैं, आर रियल, ऑल रियल, इसके बाद एंड, अब एंड लगाएंगे, एंड ऑल रियल नंबर रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। अब ट्रुथ की बात करोगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, समझ रहे हो, तो इस तरह का बनेगा। हम आपको अब इसके बाद हम आपको ट्रुथ टेबल और करवाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब हम यहाँ पे आपको बात करेंगे लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, फर्स्ट है कंजक्शन, कंजक्शन ठीक है। तो इसमें देखो ये हो गया, इसमें क्या होगा, अ कंपाउंड कंपाउंड स्टेट स्टेटमेंट जॉइनिंग जॉइनिंग टू स्टेटमेंट एंड इज कॉल्ड अ कंजक्शन एंड इज डिनोट वाई, इसको ऐसे लिख, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोल सकते हो इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट है, देन आप बोल सकते हो यहाँ पे P कंजंक्शन Q, या फिर ब्रैकेट में आप ऐसे P एंड Q, एंड की जगह पे ये यूज हो रहा है, ठीक है, इज अ कंजंक्शन कंजंक्शन। एग्जांपल ले लो, एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, चलिए एग्जाम्पल कंसीडर द स्टेटमेंट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया आपका पी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की पावर 3 इक्वल टू माइनस 27 हैज 3
इंटीग्रल रूट्स। चलिए अब दूसरा क्या है, क्यू पे आ जाओ। दीज थ्री रूट्स आर इंटीग्रल ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब इन दोनों को देखिए, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। अब आपका आपने कंजंक्शन किया, ये हो गया, इसमें होगा एक्स की इसके क्यू माइनस 27 हैज थ्री इंटीग्रल रूट्स, ये क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया ठीक है। यानी इधर देखिए, अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स ही आता है। आगे हम टेबल में भी आपको ये चीज़ समझाएं ठीक है। जैसे इधर देखिए, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको शायद समझ में, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना यहाँ पे ठीक है। अगर मान लो हमने एक ये ले लिया, चलिए पी ले लिया यहाँ पे हमने, अर्थ अर्थ इज अ प्लैनेट, क्या है ट्रू है भाई, क्यू हो गया अर्थ इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स अब इधर देखो, अब हम इसका कंजक्शन निकालेंगे तो P और Q ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अर्थ इज अ प्लेनेट एंड इज सेंटर ऑफ ये आपका फॉल्स हो गया। प्लेनेट तो है पर यूनिवर्सल के सेंटर में नहीं है, यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, इसलिए क्या होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा ठीक है। तो ये काफ़ी समझना है कि कंडीशन इस तरह से ही बनेगी ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब इसमें हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं ठीक है, डिसजॉइंट पे आ जाते हैं, इसमें यहाँ पे चलो डिसजॉइंट पे आ जाते हैं, डिसजेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है डिसजेक्शन पे आ जाते हैं ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड अ कंपाउंड स्टेटमेंट जॉइनिंग टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट बाय और इज कॉल्ड
दिस जैक्सन एंड इज डिनोटेड बाय, इसको इस तरह से डिनोट करके, इफ पी एंड क्यू आर टू, इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन पी दिस जैक्सन क्यू या पी और क्यू, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ये? अब इनके हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या होगा, पी है आपका तो यहाँ पे लिख लो प्रोफेसर आर डी शर्मा, ठीक है, आर डी शर्मा टीचर मैथमेटिक्स, बिल्कुल ट्रू है भाई, समझ रहे हो, मैथमेटिक्स के टीचर हैं ये, ट्रू है। अब एक दूसरा ले लो, ठीक है, तो जो प्रोफेसर आर डी शर्मा है, प्रोफेसर आर डी शर्मा है वो टीचर हैं वो टीच क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी। तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी है कि भाई जो जैसे हम अगर मैथ पढ़ाते तो बायो भी तो थोड़ी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये एक फिक्स है, तो यहाँ पे आप पी दिस जैक्सन क्यू निकालोगे, तो यहाँ पे लिखोगे प्रोफेसर आर डी शर्मा, प्रोफेसर आर डी शर्मा टीच टीच मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये आपका ट्रू होगा। यानी प्रोफेसर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में कोई भी एक पढ़ा रहा है, तो ये आपका ट्रू हो गया। जैसे इधर देखिए, जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पी, ठीक है। ये क्वेश्चन ही है, नहीं आप कहो ना सर क्वेश्चन नहीं, तो ये क्वेश्चन ही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम वही समझाते जा रहे हैं, चीज़ वही है। तो यहाँ पर बात करोगे डेली Delhi is capital of India true, capital India true हो गया। क्यों में क्या हो जाएगा, माउंट माउंट एवरेस्ट इज अ रिवर, ये आपका फॉल्स हो गया, समझ रहे हो। अब माउंट एवरेस्ट रिवर थोड़ी है,
डिसजेक्शन की बात करेंगे, पी क्यू का डिसजेक्शन, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया और माउंट एवरेस्ट इज अ रिवर, तो ये ट्रू हो गया, क्लियर हुआ, तो ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब हम नेक्स्ट में आपका इसके ट्रुथ टेबल और प्लस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, तो आप इतना आपको इसको कर लो, ठीक है, क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट समझना काफ़ी ज़रूरी रहता है, ठीक है।